साक्षमता परीक्षा को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, और जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था उस पर क्या फैसला सुनाया गया है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो मुद्दे की बात कर लेते हैं, साक्षमता परीक्षा के जो आंसर की के बाद में अब जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, काफ़ी कम नंबर पर, मुद्दे की बात बताते, काफ़ी कम नंबर पर दोस्तों नंबर पर सभी अभ्यर्थियों को पास करने की बात कही जा रही है कि साक्षमता परीक्षा में काफ़ी कम नंबर पर अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हैं साक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पर आप तीन चार दिन मान चलिएगा दो तीन दिन बाद आप लोगों को जो रिजल्ट है वो जारी करने की बात कही गई और काफ़ी कम नंबर पे सभी अभ्यर्थियों को पास भी करा जाएगा। और मुद्दे की बात कर ले, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कभी भी फैसला आएगा, आज कल में या एक दो दिन बाद कभी भी आप लोगों को फैसला दिया जाएगा और नियोजित शिक्षक के जो पक्ष में निर्णय देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीन दिन लगातार सुनवाई हुई है उसमें नियोजित शिक्षक की ही जीत लगभग देखने को मिल पाई है, और जो ऑर्डर है जो फैसला उसमें नियोजित शिक्षक की ही जीत होगी और फिलहाल बिना परीक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देखने को मिल सकता है और काफ़ी कम नंबर पर दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को पास करने की बात कही गई। जब आप लोगों का जल्द रिजल्ट जैसे जारी होगा इस चैनल पर अपडेट करा जाएगा, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।